युगना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 1 से 20 तक हम पढ़ेंगे और उनके ऊपर मनन करेंगे। युगना 13:1 से 20 तक। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्कारियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पहुंचने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उसे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊँ तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो परंतु सबके सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं। तब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहन कर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूँ कि जब यह हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। प्रिय भाई बहनों, आज हम इधर देख रहे हैं यीशु मसीह अपने चेलों के पांवों को धोते हुए हम पढ़ते हैं। हम शुरू में हम 13वां अध्याय में पढ़ते हैं यीशु मसीह अपने चेले लोगों को अंत तक प्रेम किया। जैसे शुरू में प्रेम किया वैसे अंत तक प्रेम किया। अभी यीशु मसीह जान लिया कि
उसका समय आ गया है। क्या समय है? वो पिता के पास जाने का समय है, आ गया है। पिता के पास जाने का समय आ गया मतलब वो हम युगना का 12 अध्याय में भी पढ़ते हैं, युगना का 12:27 में पढ़ते हैं, 12:27 में ऐसे लिखा है। प्रभु उधर भी अपना समय के बारे में कुछ बोल रहा है, युगना 12:27। अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा। इधर भी हम पढ़ते हैं, 13 में भी पढ़ते हैं, मेरी वह घड़ी आ पहुँची है। कौन सा घड़ी इधर आ पहुँची है? यीशु मसीह क्रूस में हमारे लिए, हमारा पापों के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए, अपना आपको सोम देने का एक समय घड़ी आ गया है। यही घड़ी आ गया है वो प्रभु जान लिया है। और इस हमको मालूम है यीशु मसीह के बलिदान, यीशु मसीह क्रूस में बलिदान हुआ, हमारे लघु भगाया, हमारा ऊपर प्रेम करके अपना आपको दे दिया। वो खुद पिता परमेश्वर को बोलकर इधर आया, खुद अपना आपको समर्पण किया, मैं जाकर मनुष्य जाति के लिए बलिदान होऊंगा करके। पिता परमेश्वर भी हमारा ऊपर प्रेम किया, यीशु मसीह भी हमारा ऊपर प्रेम किया, प्रेम के पिता अपना हमारा ऊपर प्रेम करके अपना पुत्र को भेजा, और यीशु मसीह खुद हमारा ऊपर प्रेम करके अपना आपको बलिदान के रूप में दिया है, बलिदान दिया है। जो कोई इस बलिदान को विश्वास करते हैं, यीशु मसीह मेरे लिए जीवन दिया क्रूस में, 3रा दिन जी उठा, अभी वो मेरा प्रभु है करके कौन विश्वास करके कबूल करते हैं, अंगीकार करते हैं, वो लोग उद्धार पाते हैं। इधर पत्रस का पास प्रभु आते हैं, पत्रस के पास आता है, लेकिन वो मना कर रहा है, प्रभु आप मेरा गुरु है, गुरु हो, आप कैसे मेरे पाँव को आप धो सकते हो? तब यीशु मसीह ने बोल रहा है, तुम मुझे अनुमति नहीं देगा तो, मतलब 8वां वचन पढ़ेंगे, 13 का 8वां वचन पढ़ेंगे, प्रभु क्या बोल रहा है उधर 13 का 8 में, पत्रस ने उसे कहा, तू मेरे पाँव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उसे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊँ तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं, कुछ भाग नहीं है, कुछ मिरास नहीं है। मुझे तुम्हें धोना है, तुम अनुमति करना है। तब इधर हम देखते, तब जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में ग्रहण करते हैं, प्रभु हमें धोते हैं पापों से, यीशु मसीह का लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। एक योगना एक में लिखा, एक योगना का एक अध्याय में लिखा है, जब हम कबूल करते हैं यीशु मसीह का लहू हमारा सारे पापों से हमें धोकर शुद्ध करने के लिए वो सामर्थ्य है। प्रिय भाई बहनों, जब हम उद्धार पाते हैं तब हमारा आत्मा पूरा धोया जाता है। मनुष्य आत्मा प्राण शरीर करके 3 भाग में है, हम आत्मा है, हमारे लिए एक प्राण है, हम इस शरीर में निवास करते हैं, हमारा आत्मा प्राण के साथ इस शरीर में निवास करता है। हम आत्मा है, हमारे लिए एक प्राण है, हमारे लिए एक शरीर प्रभु ने दिया है उसमें निवास करने के लिए। शरीर एक घर जैसा है, पौलुस भी लिखते हैं, ये शरीर ऐसे एक तंबू जैसा है, घर जैसा है, ये आत्मा और प्राण रखने के लिए एक घर है, ऐसा यही शरीर है। शरीर खुद कुछ नहीं करेगा, शरीर जो प्राण बोलता है वही करेगा। इधर जो उद्धार पाए हुए लोग, प्रभु से धोए गए लोग, वो लोग प्रभु के साथ मिरास पाएंगे, वो लोगों का आत्मा पूरा धोया गया है, 100% पवित्र है, यीशु मसीह जैसे वही है। लेकिन प्रभु इधर वही कहता है, जो नहाया हुआ व्यक्ति क्या है प्रभु कहता है, देखो 10वां वचन में, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब क्या है? नहाया व्यक्ति परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है, और तुम शुद्ध हो, क्या बोल रहे हैं? एक 12 चेले, 11 चेले लोग, 12 में तो युगदास तो
वो पीछे हट गया, शैतान से भर गया, वो प्रभु का विरोधी बन गया, उसके बीच में बैठा उनके बीच में, लेकिन वो प्रभु का नहीं है, उसका विरोधी है। भजन संहिता में लिखा है। लेकिन इधर दूसरा जो 11 शिष्य लोगों को प्रभु बोलते हैं आप शुद्ध हैं, दूसरा एक जगह में लिखा है सुसमाचार में, मैं जो उपदेश आपको देता हूँ इसके द्वारा आप लोग शुद्ध हैं, शुद्ध हो गए करके शिष्य लोगों को प्रभु बताते हैं। प्रभु हमारा आत्मा को शुद्ध कर दिया, नहा चुके हैं हम, जो जो हम उद्धार पाए हैं हम नहा चुके हैं, लेकिन हमारे पावों को लेकिन केवल धोना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है प्रिय भाई बहनों? हमारा आत्मा पूरा शुद्ध हो गया, अभी हम शुद्ध हैं, लेकिन हमारा प्राण अभी तक शुद्ध नहीं हुआ पूरा पूरा। वो पाँव समान है, इस दुनिया में वो कांटेक्ट रखता है, वो प्राण प्राण में देखो हमारा महसूस है, हमारा हम जो मन है सोच विचार और हमारा सुइच्छा, कुछ चीज़ हम निर्णय करते हैं ये करना नहीं करना, वो करेंगे ये करेंगे नहीं, ऐसे ये तीनों मिलाकर हमारा प्राण है। मन मतलब सोच विचार और सुइच्छा और महसूस, हम कभी कभी दुख महसूस करते हैं, उदास और कभी कभी निराश, कभी कभी आनंद, ये सब चीज़ें हमारा प्राण में है। ये अभी तक कोई भी विश्वासी को दुनिया में प्रभु से धोया हुआ, प्रभु का लहू से धोया हुआ कोई भी विश्वासी को ये प्राण पूरा पूरा 100% शुद्ध नहीं है। ये कांटेक्ट में गए दुनिया में, हम देखिए अभी अभी हम नगा के बाथरूम से आते हैं, फिर थोड़े समय घर में इधर उधर काम करते हैं, अब नगा के आने के समय में आपका पैर को देखिए, पैर के नीचे पूरा अच्छा से शुद्ध रहेगा। थोड़े समय में घर में इधर उधर हम चलते फिरते, उसके थोड़े बाद में 2 मिनट के बाद में 5 मिनट के बाद में देखिए पूरा गंदा रहेगा। हम ऐसे चप्पल पहनने बगैर बाहर थोड़ा समय हमारे गार्डन में हम थोड़ा इधर उधर चले चला, कोई काम के लिए गए, पाँव को देखिए पूरा गंदा। जब हमारा पाँव इस पृथ्वी में पड़ते रहता है चलते रहता है तब तक हमारा पाँव में तो गंदगी रहेगी, उसको बार बार हमको धोना पड़ता है। वही हमारा प्राण में ये सब गंदगी आता है, लेकिन प्राण को शुद्ध करने के लिए प्रभु का वचन, वचन प्रभु ने दिया है। हमारा प्राण को शुद्ध करने वाला चीज़ प्रभु का वचन है। और ये एफिसियों का पुस्तक में 5वां अध्याय में हम पढ़ते हैं 26:26 एफिसियों 5:26 कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। 25 देखिए 25, 26, 27 तीनों पढ़ेंगे। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें जिसमें न कलंक न जुर्जी, ऐसे लिखा। देखिए इधर भी प्रभु प्रेम करते हुए हमें पवित्र वचन से शुद्ध किया करके लिखा है। हम योगना 13वां अध्याय में भी वही देखते हैं, प्रभु शिष्य लोगों पर प्रेम किया और उसको मालूम हो गया अभी क्रूस में बलिदान होने का समय आ गया है, अपना आपको सौंप दिया करके एफिसियों को 6:25-26 में हम पढ़ते हैं। प्रिय भाई बहनों हमारा पावों को हम धोना पड़ेगा। जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे हमारा महसूस में कुछ कलंकित हो जाते हैं, हमारा चुनने का जो अधिकार दिया उसमें हम कभी कभी गलत करते हैं, हम विचार सोच विचार हमारा मन हम कलंकित हो जाते हैं उसमें, लेकिन इसको बार बार धोते रहना पड़ेगा। ऐसे धोते रहेंगे प्रभु के साथ हमारा ये है। प्रभु बोल रहा है जो जो जिसको मैं धोया नहीं हो उसका मेरे पास कुछ विरास नहीं है मेरे साथ। वो युवा का हम पढ़ा ना 13 का हम पढ़ रहे थे, 13:8 में पढ़ा, युवा 13:8 में पढ़ रहे थे प्रभु पत्रस को वही बोलकर उसका पाँव को धोया, यदि मैं तुझे न धोऊँ तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। मतलब इधर एफिसियों का 5 में भी हम देखते हैं, 5 में
पांच का पांच में देखते गए, प्रभु प्रेम करके हमारा अपना आपको हमारे लिए दे दिया। और क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी दो दो में लिखा गया, वैसे पांच का दो सारी उसमें लिखा गया, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे बेंट करके बलिदान कर दिया। उसके बाद में पौलुस लिखते हैं, इसलिए आप लोग जो जो आप पवित्र लोगों के लिए योग्य नहीं है, जो जो अशुद्ध करने वाला विचार गंदगी ऐसे करके पूरा लिस्ट लिखता है इधर, ये सब चीज़ें हमको नहीं करना है। हम ये सब चीज़ें करेंगे, करते रहेंगे, हम प्रभु के साथ हमारे लिए कुछ मीरास नहीं होगा, प्रभु का राज्य में हम नहीं प्रवेश कर पाएंगे। क्योंकि पांचवा वचन, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या शुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं। इसलिए परमेश्वर हमें अपने आप को दे दिया, हमें शुद्ध किया, हमारा आत्मा को हमारा प्राण को अपना वचन से शुद्ध कर रहा है, और जो जो इसके लिए अपने आप को समर्पण किए उन लोग शैतान को पर जय पा सकता है। प्रभु यीशु मसीह जब शैतान ने अव्वा को वंचित किया, तब शैतान को प्रभु डांट रहा है, क्या डांट रहा है, तुम्हारा एड़ी, उसका एड़ी को, परमेश्वर का एड़ी को तुम ये कर कुचलोगे, लेकिन वो तुम्हारा सिर को कुचलेगा, डसेगा करके लिखा गया। उत्पत्ति का 3:15 में लिखा गया, शैतान को प्रभु हमारा पैरों के नीचे कर देगा करके पौलुस लिखते हैं। शीघ्र ही परमेश्वर शैतान को अपने आप लोगों के पांवों के नीचे कर देंगे। और प्रभु का वचन में लिखा है, परमेश्वर के आधीन रहो और शैतान का सामना करो, वो तुमसे भाग जाएगा। किसका पांव के तले शैतान रहेगा मालूम है, जिसका पांव बार बार प्रभु का वचन से धोकर प्रभु का आधीन रखते हैं, वो लोग प्रभु का वचन के आधीन रखते हैं, वो लोग जब बोलेंगे तब शैतान भागेगा, वो लोग के पैरों के नीचे प्रभु शैतान को देंगे। सब लोग का नीचे नहीं है प्रिय भाई बहनों, शैतान अपना प्रभु को लात मारने के लिए जो यहूदा इस्करियोत के द्वारा अपना एड़ी को उछल के ऊपर किया, लेकिन प्रभु ने उसका सिर को कुचल दिया। हमारा जीवन में भी मैं यही इस वचन से समझती हूँ, प्रभु हमें शुद्ध किया, हमारा आत्मा को हम शुद्ध हैं, लेकिन हमारे पावों को हम शुद्ध करना है, तब प्रभु के साथ हमारा मीरास है। पावों को प्रभु का वचन से हमेशा धोते 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 अपना प्राण को नया बनाते जाएंगे, नया बनाते जाएंगे। प्रिय भाई बहनों, शैतान हमारा पावों को नीचे रखेगा, हम प्रभु से चुने हुए लोग होंगे। युगना का 13 में वही प्रभु यही बताते हैं, युगना का 13 में 17 में पढ़िए, युगना 13 जो पोर्शन पढ़ा बाग 13:17 में हम पढ़ेंगे, उसमें क्या है, तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। यीशु मसीह 11 चेले लोगों को बताते हैं, तुम मेरा वचन को जानते हो, ये बातें आप लोग जानते हो, लेकिन आप लोग उन पर चलो तो धन्य हो। देखिए चलने के बारे में इधर बोल रहा है, वचन के अनुसार हम चलेंगे, वचन को हम जानते हैं, लेकिन जो जो वचन के अनुसार चलेंगे वो लोग को प्रभु चुन लिए हुए लोगों का लिस्ट में लेते हैं, चुन लिए हुए लोग कई लोगों को बुलाते हैं प्रभु, लेकिन सब लोग नहीं आते हैं, कोई कोई आते हैं चुन लिए लोग। पत्र वो यहूदा इस्करियोत भी बुलाया गया, 12 चेलों में प्रेरितों में वो भी एक था, कितना अच्छा पद उसको प्रभु ने दिया, लेकिन वो उसमें नहीं बने नहीं रहा, वो प्रभु के विरोध में वो खड़ा हो गया। और प्रभु बोल रहे हैं वो चुना हुआ में नहीं है, वो चुने हुए में से एक नहीं है, जो प्रभु का ये वचन जानकर उससे उसमें चलेंगे
वो लोग चुने हुए लिस्ट में आ जाते हैं, उन लोगों के पाँव के नीचे शैतान हमेशा रहता है। शुद्ध रहते हैं हम, हमारा शरीर भी शुद्ध होगा। कब? पूर्ण रूप से शुद्ध होगा जब प्रभु का आगमन आएगा, तब हमारा शरीर को भी प्रभु अविनाशी देख महिमामय देख देंगे। उसमें हम महिमामय शरीर पाकर युगान युग उस शरीर भी शुद्ध हो जाएगा। इसलिए प्रभु हमें आत्मा प्राण शरीर तीनों को शुद्ध करने के लिए प्रभु जो भी करना है सब कुछ प्रभु कर चुके हैं, क्योंकि वो हमारा ऊपर प्रेम कर रहे हैं। लेकिन हम योगदास जैसे नहीं बने, ऐसे बुलाए गए बुलाया लेकिन प्रभु उनको, लेकिन चुने चुने हुए लोगों के साथ उसको भाग नहीं मिला। प्रभु उस प्रभु के साथ उसका कुछ मिराश नहीं है, प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं है। ऐसे वो अलग होकर चला गया, शैतान के लिए पूरा पूरा अपना जीवन को सौंप दिया। शैतान का जो भी ये है वो किया। हम देखते हैं जो प्रभु का आदीन रखना मतलब क्या है, प्रभु का वचन को हम मानना। ये दिन वाटिका में प्रभु ने दो वृक्ष था, एक वृक्ष जीवन का वृक्ष, वो रोज खाते रहेंगे मरेंगे नहीं, और दूसरा वृक्ष भलाई बुराई जानने वाला वृक्ष, बुराई जान लेंगे, पाप क्या करके जान लेंगे, परमेश्वर को क्या पसंद नहीं है वो जान लेंगे, वो फल खाएंगे तो। लेकिन वो भलाई बुराई जाने वाला फल उसमें कुछ विष नहीं है, वो हम खाएंगे फिर चक्कर आएगा उल्टी आएगा ऐसा नहीं है। वो फल अच्छा, वो अव्वा तो खा रही है, उसको उल्टी भी नहीं आया, तुरंत वो मारा भी नहीं है। वो फल क्यों पाप को लेके आता है, पापी क्यों बना गए वो लोग, वो परमेश्वर का वचन बोला इसको नहीं तुम नहीं खाना है, उस वचन के विरोध में गया, इसलिए वो फल ये उसके लिए पापी बना दिया उसको। यही है प्रभु का वचन के विरोध में हम जो भी करते हैं वो फिर वो लोग शैतान के आधीन हो गए हैं। प्रभु का वचन के विरोध में गए तब शैतान के आधीन हो गए, जैसे युगदास कार्य जैसे वो लोग शैतान के पक्ष में चले गए ऐसे पाप में गिर गए। हम ऐसे न रह गए, प्रभु हमें मदद करें। रोज वचन के लिए इम्पोर्टेंस दीजिए, वचन को सुनिए, वचन को वचन से भरा हुआ गीतों को सुनिए, वचन को मनन कीजिए। शैतान आपके पाँव के नीचे आना तो आपको तो वचन में डूबे रखना पड़ेगा, रोज आपका प्राण को वचन से रूपांतर करना पड़ेगा, आपका प्राण को वचन से दो डालना पड़ेगा, तब शैतान आपके पैरों के नीचे रहेगा, उसके ऊपर हम जय पाते जाएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करें। आमीन।